गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक है राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य, इसके बारे में बात कर रहे थे और आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने राज्य के बारे में बात कर ली थी और हम राष्ट्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राष्ट्र में आज हम बात करते हैं राष्ट्र की अवधारणा के विकास के जो चरण है उनके बारे में। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो है इस चरण वो रक्त संबंध के बाद इसमें आता है परिवार का विकास होता है, फिर उसके बाद समाज का विकास होता है, समाज के विकास के बाद क्षेत्रीय अस्तित्व आता है, फिर प्रादेशिक राजनीतिक विचारों का विकास होता है, उसके बाद राष्ट्रीयता का विकास होता है और अंततः राष्ट्र का विकास होता है। ठीक है, ये है राष्ट्र की अवधारणा के विकास के विविध चरण। अब हम अगर राष्ट्रीयता के संयुतक तत्वों की बात करें तो इसमें शामिल हैं भाषा, धर्म, राजनीतिक विचार, आचार विचार, सामान्य ऐतिहासिक आधार, समान जाति से उत्पत्ति की भावना, फिर कभी कभी समान शत्रु के भय होना, फिर भौगोलिक समानता। ये सभी जो है ये राष्ट्रीयता के संयुतक तत्व हैं। एक देश की प्राकृतिक सीमाएं राष्ट्रवाद को बनाए रखने और विकसित करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये तो बात हुई राष्ट्रीयता के संयुक्त तत्वों की। अगर अब हम बात करें कि राष्ट्रीय संबंधी जो संकल्पना है वो दो प्रकार की है, एक तो आदिकालीन संकल्पना और दूसरी है आधुनिक संकल्पना। ठीक है, तो जो आदिकालीन संकल्पना है उसके अनुसार क्या माना जाता है कि एक जो राष्ट्र होता है उसका उदय आदिकालीन सांस्कृतिक भागीदारी और जातीय व भाषाई समरसता पर निर्भर करती है। इसके अनुसार राष्ट्र जो है वो मूलतः एक सांस्कृतिक इकाई है, जबकि दूसरी ओर जो आधुनिक संकल्पना है इसके अनुसार ये माना जाता है कि जो एक राष्ट्र है वो सर्वथा वर्तमान युग की ही देन है। और जो स्मिथ हुए हैं उन्होंने कहा है कि नेशन शब्द जो है वो 19वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में के अंत में वो अस्तित्व में आया है। ये जो संकल्पना है राष्ट्र की, ये राष्ट्र की भावना और राष्ट्र के सदस्यों की राजनीतिक चेतना और अपनों के द्वारा और अपनों के लिए राज्य प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा से अभिप्रेरित है। ये तो बात हुई राष्ट्र की। अब अगर हम बात करें कि राज्य और राष्ट्र, जिन दोनों के बारे में हमने अभी तक पढ़ा है, इन दोनों में अंतर क्या है, किस प्रकार हम इन दोनों को एक दूसरे से मतलब इनमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो राज्य जो है वो पूर्णतः एक राजनीतिक इकाई है। पहला जो अंतर है वो ये है कि राज्य एक राजनीतिक समुदाय है, एक राजनीतिक इकाई है, जबकि राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक समुदाय है। ठीक है, भावनात्मक समुदाय है, उसका संबंध भावना से है। राज्य जो है, दूसरा अंतर यह है कि राज्य का क्षेत्र जो है वो राजनीतिक सीमाओं से सीमित होना चाहिए, मतलब राजनीतिक जो सीमाएं है उसके अंदर वाला एरिया ही राज्य के अंतर्गत शामिल है, जबकि राष्ट्र जो है उसके लिए यह बाध्य नहीं है, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि वह एक राज्य में ही सीमित रहे, अपितु उसका विस्तार जो है वो अन्य राज्यों में भी हो सकता है। तीसरा अंतर है, राज्य एक कानूनी तथ्य है जबकि राष्ट्र जो है उसका संबंध पूरी तरह से भावना से है। चौथा अंतर है कि राज्य की एकता का सूत्र जो है वो वहां की राजनीतिक व्यवस्था में निहित होता है, जबकि राष्ट्र की एकता का आधार जो है वो भाषा, धर्म, जाति आदि पर आधारित होता है। नेक्स्ट इसमें जो अंतर है वो ये है कि राज्य जो है उसमें एक ही प्रकार की शासन व्यवस्था होती है, जबकि अनेक राज्यों में अनेक राष्ट्रीयता हो सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं राष्ट्र राज्य के बारे में, नेशन स्टेट क्या होता है। तो राष्ट्र राज्य जो है वो ग्राहम स्मिथ के अनुसार उन्होंने 1994 में बताया कि राष्ट्र राज्य जो है वो एक सीमाबद्ध खंड के एक छत्र प्रशासन के लिए निर्मित संस्थाओं की एक जटिल श्रृंखला है जिसे संपूर्ण क्षेत्र में हिंसात्मक कार्यों को नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होता है।
ठीक है, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में दो केंद्रीय प्रवृत्ति सतत क्रिया प्रवृत्तियां जो है वो सतत क्रियाशील रहती है। पहली है राज्य निर्माण की क्रियाएं और दूसरी है राष्ट्र निर्माण की क्रियाएं, जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य निर्माण की जो क्रियाएं हैं इनका संबंध जो है वो राज्य सत्ता के क्षेत्रीयकरण अर्थात उसके प्रभाव के क्षेत्रीय विस्तरण से संबंधित है। यह राज्य के संपूर्ण क्षेत्र को केंद्रीय सत्ता में पूर्ण रूपेण समाहित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, देश में संचार यातायात की जो सुविधाएं हैं उनका प्रसार, कुशल नौकरशाही का विकास इसके अभिन्न अंग है। जो कि राष्ट्र निर्माण की जो क्रिया है वह उन विविध प्रक्रियाओं और उपायों का सम्मिलित प्रभाव है जिसके माध्यम से देश के नागरिकों में देश की संपूर्ण जनसंख्या को अविभाज्य परिवार की तरह परस्पर सहयोग भावना से ओतप्रोत सामाजिक इकाई के रूप में स्थापित करने की इच्छा जागृत होती है। नागरिकों में देश की राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्था होती है। राष्ट्रीय गौरव के सामने आत्म गौरव जो है उसका महत्व कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है। ठीक है, अब जो रेडजल हुए हैं भूगोलवेता, उन्होंने कहा है कि उन्होंने राष्ट्र और राज्य के बीच की इसी अन्योन्याश्रित संबंध से प्रेरित होकर कहा कि वे राजनीति की काया सर्वाधिक स्थायी होती हैं जिनमें की राष्ट्रीय चेतना तथा राज्य की भौगोलिक विस्तार में पूर्ण रूप से समरूपता विद्यमान होती है। पॉन्ड्स जो हुए हैं उन्होंने कहा है कि एक राज्य में अधिकतम एकता और स्थायित्व तभी संभव है जबकि वह राष्ट्र समानता रखता हो। अब हम बात करते हैं राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के जो विविध पक्ष हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला है राज्य के सभी नागरिकों और उसके सभी क्षेत्रीय और जातीय इकाइयों में सम्मिलित राजनीतिक पहचान का क्रमिक विकास तथा राज्य में संविधान और केंद्रीय मूल्यों के प्रति मर्यादा बोध का उदय। दूसरा है इसमें देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को इच्छा अनुसार जीवन यापन प्रक्रिया में बिना किसी भी प्रकार की रोक टोक के कहीं भी आने जाने और बसने का पूर्ण अधिकार और अवसर होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें देश की समस्त जो क्षेत्रीय और जातीय इकाइयां हैं उनके बीच सामाजिक आचार विचार में किसी भी प्रकार का विद्वेष भाव का उत्तरोत्तर समापन और नागरिकों में व्यक्तिगत और राष्ट्रीय हितों के बीच स्पष्ट अंतर्बोध का संचार तथा हर व्यक्ति को राष्ट्रीय मूल्यों और नियमों के प्रति पूर्ण आस्था का उदय और व्यक्तिगत स्तर पर सुसंस्कृत आचार विचार की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कि आवागमन और संचार माध्यमों का पूर्ण विकास जिससे कि सामाजिक संबंधों में दूरियों को कम किया जा सके। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि समान राष्ट्रीयता में राज्य की शक्ति जो है वो निहित होती है। विविध राष्ट्रीयता वाले जो राज्य होते हैं वो संयुक्त राज्य से निर्बल होते हैं। विविध राष्ट्रीयता वाले जो राज्य होते हैं, राष्ट्रीयता पर आधारित राज्य हमेशा प्रगतिशील होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, उत्तरोत्तर विकास करते हैं उन राज्यों की तुलना में जहां पर राष्ट्रीयता का अभाव होता है। यानी कि जिन राज्यों में राष्ट्रीयता का अभाव होता है उन राज्यों का विकास जो होता है उसकी गति मंद हो जाती है और वो प्रगतिशील नहीं रह पाते हैं, जबकि राष्ट्रीयता वाले राज्यों का विकास जो है वो अधिक होता है। इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है राष्ट्र राज्य और राष्ट्र राज्य ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।